जो यहाँ पे क्वेश्चन है, -3 × -12 डिवाइडेड बाई -4 +3 × 6 BODMS बॉड मास के रूल से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अब देखिए -3 × -12 इन ब्रैकेट से हटा के इन डिजिट्स को बाहर निकाल लीजिए। -3 × -12 डिवाइडेड बाई -4 +3 × 6। देखिए ओ से ऑर्डर, ऑर्डर मतलब किसी डिजिट की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 या 4, इस तरह से अगर कोई चीज़ है तो ऑर्डर हम रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ऑर्डर में हम रख सकें या है। उसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न में देखिए ये -12 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, -3 × -12 डिवाइडेड बाई -4 जो होगा, अब यहाँ पे देखिए अलग से हम कर दे रहे हैं -12 / -4। तो ये जो निगेटिव साइन है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो उससे कट जाएगा। और 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 3 आएगा, ठीक। तो अब देखिए -3 × (multiply) ये इसकी वैल्यू कितनी आई, +3 प्लस ये वाला 3 × 6। डिवीज़न सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन देखिए कहाँ पे है, ये है -3 × (multiply by +3 प्लस 3 × 6, मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, 3 × 6 = 18। और यहाँ भी देखिए ये भी आपका मल्टीप्लाई में है, -3 × 3 - 9 साइन के साथ लिखेंगे, यहाँ +3 था, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का लगा दिया और 3 × 3 = 9 होता है, वो 9 यहाँ पे लिखा, +18 आपका यहाँ पे आया था, तो 18 - 9 जो होता है 9 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा।